नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं घर पर हम कैसे रोज वाटर यानी कि गुलाब जल बना सकते हैं। आधुनिक समय में दोस्तों अलग अलग प्रकार की फैक्ट्री में गुलाब जल का निर्माण होने लगा है, जिससे ये बाजार में आसानी से मिल जाता है। लेकिन गुलाब जल बनाने का बहुत ही आसान तरीका आपके घर में भी मौजूद है, तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं गुलाब जल बनाने के लिए आपको किन चीजों की आवश्यकता होगी। आपको आवश्यकता होगी 2 गिलास पानी की, 15 गुलाब के फूल की और कुछ बर्फ की आपको आवश्यकता होगी। सबसे पहले आप क्या करें, एक ऐसा बर्तन लें जिसमें दूसरा बर्तन आसानी से समा सके। अब इस बर्तन में एक स्टैंड रख दीजिए। अब आप क्या करें, जो गुलाब की पंखुड़ियां ली है 15 गुलाब की, वो उसमें डाल दें और पानी भी उस बड़े वाले बर्तन में डाल दें। और जो आपने बीच में स्टैंड रखा है उसके ऊपर एक खाली बर्तन, छोटा बर्तन रख दीजिए। अब इस बर्तन को आग के ऊपर लगभग 20 से 25 मिनट तक रखिए और गर्म होने दीजिए। अब ये गर्म होगा तो जो पानी है वो भाप के रूप में ऊपर आएगा, लेकिन हमें इसे इकट्ठा करने के लिए जो बड़ा वाला बर्तन है उसके ऊपर एक उल्टा ढक्कन रखना होगा। अब इस ढक्कन पर आप क्या करें, उल्टे ढक्कन पर बर्फ के टुकड़े रख दीजिए, जिससे क्या होगा, जो भाप उठेगा अंदर से बड़े वाले बर्तन से वो उस ढक्कन के टकराएगा और ठंडा होके बीच में जो स्टैंड पर छोटा ढक्कन आपने रखा है उसमें इकट्ठा हो जाएगा। लगभग 10 से 15 मिनट तक ये प्रक्रिया होने दें, उसके बाद इस बर्तन को आग से हटा दीजिए और ठंडा होने दीजिए। और जब ये ठंडा हो जाए तो ऊपर से जो उल्टा ढक्कन है उसे हटा दीजिए और बीच में जो आपने बर्तन रखा होगा उसमें आपको गुलाब जल मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस आसान तरीके से आप गुलाब जल आपके घर में बना सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।